बंधुओं बहुत बहुत स्वागत है आज के हमारे विशेष कार्यक्रम में। हम लोग मुहूर्त श्रृंखला में विवाह मुहूर्त की बात करेंगे 2024 के। मैं संपूर्ण जानकारी के साथ आगे बढ़ूं उससे पहले एक निवेदन भी रहेगा, यदि आप पहली बार अध्यात्म ज्योतिष पर विजिट कर रहे हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर लें ताकि समय समय पर अध्यात्म ज्योतिष, रत्न, रुद्राक्ष और मुहूर्त आदि सभी जानकारियां आपको समय समय पर प्रमाणिक रूप से मिलती रहे। मैं पंचांग के हिसाब से आपको यहाँ पर मुहूर्त बता रहा हूँ। कई बार हम लोग गूगल पर सर्च करते हैं, यहाँ सर्च करते हैं, वहाँ सर्च करते हैं, बहुत ज्यादा सर्च करते हैं, लेकिन जानकारी हमें मिल नहीं पाती और कंफ्यूजन और बढ़ जाता है। संशय में नहीं, संशय आत्मा विनश्यति, इसलिए संशय से हटकर अध्यात्म ये जानकारी आप लीजिए। आपको 2024 में अगर विवाह के लिए आप सर्च कर रहे हैं मुहूर्त, तो कौन सा मुहूर्त हो सकता है, इससे पहले ये समझ लिए कि जब भी हम विवाह मुहूर्त निकालते हैं तो कैसे निकालते हैं। हालांकि उस पर त्रिबल शुद्धि मुहूर्त जो है मैं आपको उसकी जानकारी दे चुका हूँ कैसे निकालते हैं। आपको वर और राशि, वर और कन्या दोनों की राशि निकालनी है, उनकी जन्म कुंडली खोलिए और उसका उनका मून चार्ट को आप देखें, वही जो है उसमें लगन जो होता है वही उनका राशि होती है, उस राशि को निकाल लें और तब दोनों की राशि पर हमें सूर्य बल, चंद्र बल, गुरु बल, ये हमें बल निकालने होते हैं और इसी आधार पर हमें जो है त्रिबल शुद्धि का मुहूर्त हमें चेक करते हैं। इसमें त्रिबल शुद्धि के हिसाब से कुछ मुहूर्त जो निकाले गए हैं उनको दोनों की राशि के हिसाब से देखना होगा, ये नहीं कि 16 तारीख का मुहूर्त है तो वो सबके लिए, हो सकता है कि उन वर कन्या की राशि के हिसाब से उस दिन त्रिबल शुद्धि ना बैठ रहा हो तो तब वो मुहूर्त नहीं बनेगा और पर्टिकुलर उस दिन का लगन निकाल कर विवाह करना चाहिए। ठीक है, तो इसमें अगर हम खरमास जैसे ही खत्म होता है मकर राशि पर सूर्य संचरण करते हैं तो माघ का महीना लग जाता है, और अगर आप सॉफ्टवेयर की मदद से देखेंगे, किसी ऐप की मदद से देखेंगे तो आपको पौष का महीना शो करेगा। ऐसे में 16 जनवरी विवाह के लिए पहला मुहूर्त है, हालांकि वो मकर संक्रांति पर भी ग्रह सॉरी आपका विवाह का मुहूर्त बन जाता है मकर संक्रांति, लेकिन अब उसके बाद जो स्पष्ट मुहूर्त है 16 जनवरी, 18 जनवरी, 20 जनवरी, 21 जनवरी 2024, ठीक है ना, 24 की बात कर रहे हैं। उसके बाद 27 जनवरी, 28 जनवरी, 29 जनवरी, 30 जनवरी और 31 जनवरी, यानी जनवरी 2024 में ये स्वतंत्र रूप से मुहूर्त बन रहे हैं। फरवरी माह की बात करें तो सबसे पहले माघ का महीना आरंभ हो जाएगा, बहुत ही उत्तम इसके लिए, इसको विवाह के लिए या अन्य चीजों के लिए माना जाता है। तो आपका 1 फरवरी, उसके बाद 4 फरवरी, फिर 6 फरवरी, 14 फरवरी 2024, 18 फरवरी 2024, 19 फरवरी 2024, 24 फरवरी 2024 और 25 फरवरी 2024, 28 फरवरी 2024, 29 फरवरी 2024 फरवरी के माह का विवाह के लिए शुभ मुहूर्त है। कोई कंफ्यूजन नहीं, मैं आपको बता चुका हूँ, सूत्र भी बता चुका हूँ, त्रिबल शुद्धि कैसे निकालें आपको वह भी बता चुका हूँ, आप घर में बैठे खुद भी निकाल सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है ना, जो 10 दोस्त होते हैं आप उनको भी चेक कर सकते हैं। मार्च की बात कर लेते हैं, मार्च 2024 में सबसे पहले 1 मार्च को मुहूर्त बनेगा विवाह के लिए, तो उसके बाद 3 मार्च को सॉरी 2 मार्च को, फिर 3 मार्च 2024, 4 मार्च 2024, 5 मार्च 2024, 6 मार्च 2024 और 7 मार्च 2024, ये मुहूर्त हैं 2024 के प्रारंभिक, जनवरी, फरवरी और मार्च। उसके बाद फिर जैसे ही अग्रिम पंचांग आता है 2024 में, संपूर्ण जानकारी इसके माध्यम से मैं आपको विधिवत रूप से दूंगा। हालांकि इस बात का ध्यान रखें कि पंचांग निर्माण कौन करता है, वो भी हम ही करते हैं, इसलिए इस बात का भी हमें ध्यान रखना चाहिए कि उसके लिए जो मुहूर्त के पैमाने होते हैं, जो मानक होते हैं, उसको हमें देखना चाहिए। कई बार हम सिर्फ गूगल में सर्च करके या अनाप शनाप कहीं से भी जो जानकारियां ले लेते हैं, वो प्रमाणिक जानकारी आप लें, क्योंकि विवाह का मुहूर्त जो कोई सामान्य मुहूर्त नहीं है, ये दो आत्माओं का मिलन है, दो जीवों का मिलन है, एक नई पटरी पर एक दो नए मुसाफिर चलने वाले, इसलिए इस पर सभी चीजों को ध्यान रखा जाए तो बहुत जरूरी भी है और बहुत आवश्यक है कि वह एक भावी दंपत्ति के जीवन के मंगलमयता के लिए एक शुभ मुहूर्त में काम हो। आशा करता हूँ कार्यक्रम आपको अच्छा लगा होगा और ऐसे ही तमाम जानकारी के लिए हमारे चैनल पर बने रहें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें ताकि तमाम प्रकार की इंफॉर्मेटिव चर्चाएं आपको समय समय पर मिलते रहें। मिलते हैं फिर, तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत।